दरवाजा खुले बोले खत्म कर देता आंगन आंगन आ गया आले बच्चे फोन कर रहे फोन उठा रहे लिए फिर ऊपर कह रहे अब कावन तो इसको की हुआ कर दो इसको ने रोक दिया मगर हुआ करना मत गले की हुआ कर दो गले ये कर सका मेरा गले की हुआ गले का हुआ कर दो तेरा अंदर आकर और तो फर्ज मने पुलिस आना तो गोली मार दे मने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर और उनके विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल मामला इंदिरा कॉलोनी का है, जहां बीती रात मामूली विवाद के बाद एक पक्ष कई साथियों के साथ कॉलोनी में पहुंचा और घर के बाहर खड़ी 15 से 20 कारों के कांच तोड़कर मौके पर जमकर आतंक मचाया और उसके बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पूरे मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है। वहीं कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कोई कार्रवाई नहीं की। तेज गाड़ी ले जा रहा दौड़ रहा जे रोक मन इतो क्यों भाई गाड़ी आज से चलो जतन वो तो फोन कर और बुला लिया आ जाओ के तलवार ले कम से कम 25 आदमी आया मैं अगर दरवाजा खोल देने तो खत्म कर दे माने खत्म कर दे मैं काई करे मैं दरवाजा बंद कर लिया मैंने सब अड़ोस पड़ोस देख रही है दरवाजा बंद कर लिया दरवाजा 25 आदमी के बीच मैं काई कर सका बताओ मैं तो टाबर है घर का मैंने मैं तो चल अब देखो गाड़ियां तोड़ दी खिड़की को पत्या है तक तक बाकी उड़ी पड़ी है आपकी गाड़ी थोड़ी और सबकी और भी थोड़ी है कम से कम 20-25 गाड़ी थोड़ी है गली दुनिया भर की। रात को दो लड़के आए थे तेज गाड़ी थी उनके पास मैंने उनको रोका मैंने बोला गाड़ी धीरे चलाओ इतने में फोन करके पूरी सांसी कॉलोनी के गैंग बुला ली उन्होंने मेरे घर पे पथराव किए पहले मेरी गाड़ी के कांच तोड़े फोड़े मेरे पड़ोस में तलवारें चलाई उनकी गाड़ियों के कांच तोड़े और पूरी कॉलोनी के अंदर कम से कम 15 गाड़ियों के कांच तोड़े उन्होंने। रात को पुलिस भी आई थी लेकिन रात को उन्होंने एक्शन नहीं लिया उसके बाद में ये सब कांच तोड़े गए। मैं FIR करवा के गया था यहाँ पे कम से कम 15-20 जने हमने यहाँ FIR करवा के गए उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं उसके बाद में पथराव हुए वापस हमारे पे हमला हुआ उनके पास हथियार थे तलवारें थी पत्थर थे बेस बल्ले थे। वहीं मामले में कार्रवाई न होने के सवाल पर जांच अधिकारी ने भी बेहद हैरानी वाला जवाब दिया। रात की घटना है रात को DO को पूछा तो उसने कहा कि मैं दो बार मौके पर गया था और वो लड़के वहाँ से भाग गए थे गाड़ियों के कांच तोड़े हैं अभी वो रात को जो एप्लीकेशन दी अभी मैंने एप्लीकेशन देखी है नारायण का लड़का है जो खुशहाल नाम बता रहे हैं नामजद है उसको अभी लेके जा रहे आ रहे हैं उसके बाद में सारी घटना का पता लगा है। अभी जा रहा हूँ मौके पर रात को गए थे वो DO वो अभी नहीं अब जा रहे हैं ना मौके पर जा रहे हैं वो खुशहाल नामजद लड़का है उसको अभी लेके आ रहे हैं जो भी है फुटेज वगैरह अभी सभी देख के और उस घटना का पूरा जांच कर। शहर में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज इस इंदिरा कॉलोनी के अंदर तकरीबन 12 से 15 गाड़ियों के जो है कांच फोड़कर यहां पर आतंक मचाया गया। कॉलोनी पूरी कॉलोनी वासी दहशत में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस कॉलोनी के अंदर जो है शुरू से एंड तक कॉलोनी में तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। सारी जो है इंपोर्टेड गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के अगले और पिछले कांचों पर वार किया गया। साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग जो है आए दिन शराब पीकर यहाँ आते हैं और आतंक करते हैं। हमारे साथ एक है जानना चाहेंगे सर किस तरीके से क्या हुआ था। सर रात को तकरीबन 2-2.5 बजे यहाँ पे लोग आतंक मचा रहे थे हम तो डर के मारे अंदर चले गए सर और काफ़ी बच्चे लोग ही डर गए सब अंदर घुस गए और गाड़ी 2-4-5-10 गाड़ियाँ टैक्सी भरीज के आई थी यहाँ पे और हम तो अंदर चले गए हमारे भाई साहब वगैरह अंदर उनको भी अंदर भेज दिया। आपने पुलिस से शिकायत की? मैंने तो नहीं की थी हमारे जो मोहल्ले वाले जो है ना जिसने गाड़ी तोड़ी थी ना वो लोग गए थे तो पुलिस यहाँ आई थी सर बोल रहे थे हम मौके वारदात पे आए हैं लेकिन हम तो सो गए थे उस समय। यानी मौके पर लोग आए थे कि पुलिस यहाँ पहुंची। मैं आगे भी एक दिखाना चाहूंगा क्योंकि आगे जो गाड़ियां हैं और भी गाड़ी हैं वहाँ पे भी इस तरीके से जो है लगातार गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा ये एक जीप पड़ी है इस जीप के भी कांच टूटे हैं सामने आप देख पा रहे हैं तो सामने आगे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियों के कांच जो हैं तोड़े गए हैं। ये गाड़ी है यहाँ पे भी कांच फोड़े गए हैं अंदर पत्थर अभी भी मौजूद है। ये देखिए आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पे भी जो है दहशत फैलेगी यानी पूरी कॉलोनी अभी दहशत में है। पुलिस मौका मुआयना करने देर रात जरूर आई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से देर रात वही असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचे और दोबारा से यहाँ पर जो है हमले भी किए गए। पंजाब केसरी TV के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।